नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा आठवीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग तीन के आठवें पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ से सबसे पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यह बताने के लिए कवित्री ने हमें निम्नलिखित तर्क दिए हैं। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही है, जिसमें अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। आइए पाठ से अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों को क्या करती होगी, लिखिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सूरज डूबने का समय हो चुका है, इसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। वह तिनके से अपने घोंसले को मजबूत करती होगी या उस तिनके से अपने और अपने परिवार के लिए नया घोंसला बनाती होगी। पाठ का तीसरा प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बात की गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए तीन वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ। दूसरा वाक्य है, अभी भी हम मैदान में खेल रहे हैं। और तीसरा वाक्य है, हम अभी भी कविता के बारे में लिख रहे हैं। इन तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या तीन कर लिया है। आइए अब पाठ के प्रश्न संख्या चार को करते हैं। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके तीन वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, नहीं अभी भी तुम्हारा काम अधूरा है। दूसरा वाक्य है, नहीं अभी भी स्कूल की छुट्टियां खत्म नहीं हुई हैं। और तीसरा वाक्य है, नहीं अभी भी तुमने खाना नहीं खाया है। और चौथा वाक्य है, इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई है, किसान अभी भी बादलों को देख रहा है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है। आइए अब कविता से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने
यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।